आना होगा। क्या कहना चाह रही हो तुम कि मैं झूठ बोल रही हूं? मैं तुम्हारी शादी पर तुम्हें तोहफा नहीं दिया, इस बात का मुझे दुख है और मैं चाहती हूं कि अब तुम घर में आ गई हो तो तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊं कि इत्बार, मोहब्बत, अपनाइयत क्या होती है। पूरे 5 लाख है, संभाल कर रखना, मुलाजिम में भरोसा मत करना। करीम, एक बात बताओ, सच सच, क्या तुम्हारे पास मम्मी ने 5 लाख रुपए की रकम रखवाई थी? फायज, आप मेरे यकीन कीजिए, मम्मी ने वो पैसे रखवाए नहीं थे, शादी के गिफ्ट के तौर पर दिए थे। ओके, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मम्मी ने वो रकम तुम्हें तोहफतन दिया, लेकिन बाद में अपनी गलती का रियलाइज कर लिया। लेकिन वो रकम गई कहाँ? क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों ना तुम शॉपिंग पे गई हो, ना तुमने कुछ किया है, रकम कहाँ गई? रूफी भाई को दे दिए थे मैंने। क्या? रूफी को? मगर किस लिए? क्या हुआ अरीम, इज एवरीथिंग ओके? मैं इतनी परेशान क्यों हो गई हूँ? अच्छा, इट्स ओके, कम हियर। इट्स ओके, 5 लाख रुपए हैं, मामूली रकम है। ठीक है, मम्मी ने तुम्हारे पास रखवाई और तुमने किसी गलत फहमी में आके रूफी को दे दिया, तब भी इतना बड़ा मसला नहीं है कि तुम इतनी परेशान हो जाओ। रिलैक्स फाइज, मेरे लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख और खौफ आपकी नजरों में अपना मुकाम खो देने का, वरना ना मैं जिंदगी की मुश्किलों से डरती हूँ, ना ही मौत के खौफ से। बहुत ही बेवकूफ हो तुम्हें पता है मेरे दिल की दुनिया पे बिला शिरकत गैर हुकूमत करती हो तुम? अभी तक अपना मकाम नहीं जानी? मैं मम्मी से बात कर लूंगा, मैं उनको बता दूंगा कि तुम दोनों के बीच में कोई गलत फहमी हो गई, ठीक है? लेकिन वो रकम मम्मी तो तकाजा कर रही है उसका फायदा। कहा ना परेशान मत हो, मैं उनसे बात कर लूंगा, इट्स ओके, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम दोनों के बीच में गलत फहमी हो गई, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम इतनी उदास हो जाओ, प्लीज। चलो मुझे वो मुस्कुराहट दो जिसको मैं देख के अपने सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ। कम ऑन, स्माइल। गुड। चलो तैयार हो जाओ, कहीं आउटिंग पे चलते हैं। वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, सारी मसरूफियत में हम एक दूसरे को तो भुला ही बैठे हैं। हमसे बड़ा भी कोई बेअकल होगा? कोई नहीं। Let's go. मैं चेंज करके आती हूँ। Sure.
करीम वो नहीं है जो तुम्हें नजर आती है। देखने में बहुत ही सादा और मासूम लगती है, मगर है बहुत होशियार और चालाक। उसकी आंखों में जैसे एक चैलेंज है, डेयर करती है सबको। आपको लगता है कि मैं मुश्किल वक्त से डरने या घबराने वाली हूँ? आप मेरे साथ हैं तो मैं मुश्किल से मुश्किल कड़े से कड़े वक्त का सामना कर सकती हूँ। आप मुझसे दूर मत होइएगा, प्लीज कभी मुझसे दूर मत हो। वैसे एक बात ये आपको वार्निंग दे दूं सलमा, ये जो लाइबा है ना हमारी, इसको हल्की चीज पसंद नहीं आती। मुझे लगता है कि मेरे ही जरा सीम आ गए हैं इसमें। किसी भी दुकान में जाती है, जो सबसे महंगी चीज होती है वही पसंद आती है, उसी पर हाथ रखती है। इतना समझाया मैंने इसको कि अभी चंद दिनों में, चंद महीनों में शादी होने वाली है, अभी इतना महंगा जोड़ा ना बनवाओ, पर नहीं, जो पसंद आ गया वही चाहिए। लाडली है ना, वालिद की भी और भाइयों की भी। कहकशां, शेख साहब की तरह अनवार भी दिल के बहुत सखी हैं। अब बच्चों की छोटी छोटी सी फरमाइशों पर लाखों रुपया उठा देते हैं और पलटकर पूछते भी नहीं है कि कहां खर्च किया। आपको अंदाजा हो जाएगा, आप खुद ही देख लेंगी। अंदाजा तो मुझे हो रहा है, मेरी समझ है ना दिलारा, वो बता रही थी कि शायद आप लोग को बहुत पुराना जानती है। डिफेंस शिफ्ट होने से पहले शायद आप लोग नॉर्थ या जौहर कहीं रहते थे, कुछ सही से याद नहीं आ रहा क्या कहा था, मगर मैंने यकीन नहीं किया। भई हैं तो मेरी समधन, लेकिन बड़ी शेखी खोर हैं, और अब लाइबा का रिश्ता इतने ऊंचे घराने में हो रहा है, वो बात ही बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तो लगी बातें बनाने। तेरह साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। अरे जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी, मैं और हरीम बाहर जा रहे हैं आउटिंग पे, हमारा डिनर पे इंतजार मत कीजिएगा, लेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जाओ एंजॉय करो जाकर, बल्कि मेरी बहू को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करवाना है। श्योर। खुदा हाफिज। थैंक यू। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहकशां, भई आपकी बहू तो बहुत ही खूबसूरत, बादब, सलीखामंद है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बहू। आप हलवा ट्राई करें ना सलमा, खालिस देसी घी में बना है, और अखरोट तो मैंने खास पेशावर से मंगवाए हैं इसके लिए, हमारी खानदानी रेसिपी है। लाइबा बेटा दो ना आंटी को। जी ट्राई कीजिए, हमारे खानदान की खास रेसिपी से बनाया गया, ट्राई कीजिए। थैंक यू।
मैंने तो लाइबा को सारी फैमिली रेसिपी सिखा दी है, अब ससुराल जाके हमारी नाक ना कटवाना। फायस की आंखों पर बंदी पट्टी खोलना मेरे लिए मुश्किल टास्क है। नागन है ये हरीम, उसका जहर निकालना आसान नहीं है। मैंने इतना बड़ा इश्यू क्रिएट किया और फायस ने क्या किया, बजाय इसके कि वो उसे बासपुरस करता, उसे लेकर आउटिंग पर चला गया। अब वो कोई ना कोई दास्तान घड़ेगी और उसे मुतमईन कर देगी। लेकिन मम्मी ये सब कुछ कब तक चलेगा? I am fed up. आपने देखा, मैं अपनी एंगेजमेंट की तैयारी को भी एंजॉय नहीं कर रही। मेरी सासू माँ कैसी कैसी बातें सुना रही थी, कितनी बादब है, बाएखलाक है, खूबसूरत है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ मुझे ही सुना रही। तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये जो सलमा जैसे लोग होते हैं ना कॉम्प्लेक्सेस के मारे हुए, इनको अपनी तरह की कमतर लड़कियां पसंद आती हैं। अब कहीं ना कहीं तो अपना बैकग्राउंड दिखाएगी ना। दिलारा आंटी बिल्कुल सही कह रही थी उसके बारे में, किसी छोटे से इलाके की पैदावार लगती। उफ, तौबा है। देख लेंगे। सॉरी अरीम, मैं काफी दिनों से तुम्हें वक्त नहीं दे पाया। फायज, आपने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी तमन्ना कोई भी खुशकिस्मत लड़की करे हुई। मोहब्बत, एतमाद, तावन, खुलूस, सभी कुछ तो आपने मेरे दामन में डाल दिया। और मैं समझ सकती हूँ कि आजकल आप कितने मसरूफ हैं। लेकिन अच्छा वक्त भी हमारा मुंतजर है। तुम्हें पता है सख्त और मुश्किल वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? कि वो ज्यादा देर रुक नहीं पाता। ठीक कहा आपने, वक्त कितना ही मुश्किल क्यों ना गुजर ही जाता है। नहीं, मैं एक बात बताऊं सच सच, वो 5 लाख रुपए तुमने रूफी को क्यों दिए? उसको पैसों की क्यों जरूरत थी? उन्होंने बताने से मना किया, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। सब कुछ कंफर्म हो गया। What, really? That's very nice. लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो बताता, बेवकूफ। वो बताएंगे आप, कुछ चीजें कंफर्म होने की देर है। चलो, I'm glad and really happy for him. लेकिन उसको मुझे तो बताना चाहिए था। Thank you. There you are. मैं आपको कैसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिला पाऊंगी फाइज?
आपकी मोहब्बत और यकीन देखती हूँ तो लगता है आप कभी भी किसी के झूठ और धोखे का शिकार नहीं होंगे, और दुनिया के बिछाए हुए जाल को सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक बेबस परिंदे की तरह उस जाल में फंस गई। ऐसी ही आप भी, और आपकी मोहब्बत भी बेबस और बेयकीन हो जाएगी, और तब मुझे वो वक्त आने से पहले फाइज को सब कुछ बता देना चाहिए, सब कुछ। फाइज आप यूनिवर्सिटी जाते हुए मुझे रूफी भाई के पास ड्रॉप कर देंगे? उनकी फ्लाइट हो गई है परसों और मैं उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाह रही हूँ। परसों? आपके सो जाने के बाद उनका फोन आया था, सब कुछ अचानक हो गया, वीजा टिकट। वाओ, दैट्स ग्रेट। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फाइज मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे, बहुत जरूरी है। क्या वापसी पे हम कहीं बाहर चल के सुकून और इत्मीनान से भी बैठ सकते हैं, जहाँ पे आप मेरी बात सुन सकें, प्लीज? क्या वो सब ठीक है? फाइज, कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। ओके, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। वैसे आज यूनिवर्सिटी में बहुत बिजी दिन है और ऑफिस के मामले भी कुछ ठीक नहीं है, बट I'll try my best. आजो। हरीम बीबी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। वाओ, लगता है आजकल तुम्हें देखे बगैर मम्मी का दिन भी स्टार्ट नहीं होता। अब यकीन करें, मैंने पूरे दिल से कोशिश की है कि मैं मम्मी का दिल जीत सकूं। ऐसे बहुत ही जालिम होगा वो जो तुम्हें अपने दिल में जगह ना दे। आमिर बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह था, चारा इनके दुश्मनों की नजर हो गया। जब से समदा को इधर लेकर आया, हमारा घर का सुकून बर्बाद हो गया। तुम लोग नुकसान उठा रहे और नुकसान उठाएगा। नुकसान हम सबका हुआ है, मगर जो बादशाह खान का नुकसान हुआ है वो जिंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता। बदलास को सजा मिलना चाहिए बाबा। क्यों मारता इसको? पूछो इससे। अपने भाई का कत्ल किया इसने, आमिर को इसने कत्ल किया। तुम्हें देखकर आंखें सुलगती हैं मेरी, दिल जलता है, सर से लेकर पांव तक एक अनदेखी आग भड़क उठती है। एक दिन इसी आग से तुम्हें जलाकर भस्म न कर दिया तो मेरा नाम भी कहकशा नहीं। जब तक तुम्हें देख ना लूं मुझे सुकून नहीं मिलता। आपने बुलवाया मुझे? बिल्कुल। तुम जल्दी से सारे काम से फारिग हो जाओ, फिर हमने शॉपिंग जाना है। आज? अब आज जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल। वे परसों लाइबा की मंगनी का इतना बड़ा फंक्शन है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई खूबसूरत सा महंगा सा जोड़ा दिलवाऊं जिसे पहनकर तुम भी कुछ बेहतर नजर आओ। मेरे कहने का यह मतलब है कि तुम
हमना से बरतर ना सही, उसके बराबर तो दिखनी चाहिए हो ना। कहां वो करोड़ों में खेलने वाली लड़की और कहां तुम इतनी हसीन, इतनी मासूम, इतनी सादा, जिसे मेरे बेटे की मोहब्बत ने मेरे लिए और भी खास बना दिया है। क्या बात है, आज सास और बहू में बहुत मोहब्बत का इजहार हो रहा है। तो क्यों ना हो, तुम्हारी मोहब्बत है तो मेरी बहू भी तो है, और मैं चाहती हूँ कि ये सबसे अलग नजर आए, इसीलिए आज मैं इसे शॉपिंग के लिए ले जा रही हूँ। भाई इतना बड़ा फंक्शन है लाइबा की मंगनी का, और इसके पास पहनने के लिए एक भी ढंग का जोड़ा नहीं है। वैसे मम्मी एक बात बताऊं आपको, जेवर को हीरे की जरूरत होती है, हीरे को जेवर की जरूरत नहीं होती। माना कि हरीम सादा लिबास पहनती है, लेकिन इसी में बहुत हसीन और मुकम्मल लगती है। लेकिन अगर उसके बावजूद आप इसको लेके जाना चाहती हैं तो आप लेके जा सकती हैं। आज हमारा कुछ और प्लान। हाँ तो सारे प्रोग्राम पोस्टपोन कर दो। बे इस वक्त सबसे जरूरी चीज है लाइबा की मंगनी का फंक्शन, और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं पहली बार हरीम को बतौर अपनी बहू सबसे मिलवाने वाली। अपीयरेंस मैटर तो करती है ना भाई, हीरे की चमक दमक भी तभी नजर आती है जब उसे तराश खराश कर दुनिया के सामने पेश किया जाए। पॉलिश तो करना पड़ता है ना। काया पांच रहा कहा ना तुमने? जी जी शेखानी जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक किस्त आपकी लाडली बहू दे गई थी और दूसरी किस्त आपकी तरफ वाजिबुल अदा है, तो फिर बताइए कब आऊं लेने? हो जाएगी अदायगी, लेकिन कब और कहां दिन और वक्त मैं तुम्हें बताऊंगी। जी तुम पैसों की फिक्र मत करना, इधर फाइज और हरीम की राहें जुदा होंगी, उधर तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन काम मुझे 16 आने सही चाहिए। अब गौर से मेरी बात सुनो। सही? हरीम, क्या हुआ? तैयारी नहीं हुई अभी तक? हमने जाना है। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है मम्मी, मेरा बीपी लो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मुझसे प्यार नहीं हो जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम किसी और दिन चले जाएं? प्लीज। बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। तुम्हें पता है मंगनी में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, हमें आज ही जाना है। तुम कोई जूस वगैरह पी लो, यू विल फील बेटर। बस तैयार हो जाओ प्लीज, को बहाना नहीं चलेगा। बहाना? मेरा ये कहने का मतलब है कि ठीक हो जाओगी, बाहर निकलोगी खुली फिजा में, यू विल फील बेटर।
जूस वगैरह पी लो वरना रास्ते में दिलवा दूंगी, ठीक है? जल्दी से तैयार होकर और अच्छी तरह तैयार होकर आओ, फिर हम निकलते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं आज नहीं आ सकूंगी। कहकशां आंटी ने कहा है कि मैं उनके साथ शॉपिंग पे चलूं, और फाइज ने भी मुझसे कहा है कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए। दोनों की बात टालना मेरे लिए नामुमकिन है। बड़ी बिजी हो गई मेरी बहन। मैं इतने टाइम के लिए जा रहा हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे मिलने के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। बड़े घर की बहू जो बन गई हो। भाई आप कह रहे हैं, मैं तो वही छोटे से घर की सादा सी लड़की हूँ। बड़े बड़े लोगों में रह के तो मुझे खुद अपना वजूद बहुत छोटा लगने लगा है। आपसे अब्बू से मिलती हूँ तो मुझे अपना होने का एहसास होता है। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आऊंगी भाई। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियस क्यों हो रही हो? बस एक दफा मुझसे मिल लेना, बेशक थोड़ी देर के लिए सही। मेरी बात गौर से सुनो, इन बड़े लोगों में अपने आप को छोटा समझने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन बहुत कामयाब और मुकम्मल लड़की है, समझ गए? समझ गई। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पहले तो यहाँ नहीं आई हो ना? यहाँ की कॉफी भी बहुत अच्छी है और सैलेड्स तो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि तुम बहुत थक गई हो। तुम ऐसे करो, बैठो, मेन्यू मंगवाओ, कुछ जूस वगैरह मंगा लो, मैं हाथ धोकर आ रही हूँ। आ जाओ। बड़ी शॉपिंग हो रही है। हाँ,
रेस्टोरेंट है, मेरा घर तो नहीं है ना जहाँ मैं कुछ भी कर लूँ। क्यों तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो? प्लीज मेरा जवाब यहाँ से। वो एक 5 लाख रुपए रहता है तुम्हारी तरफ, वो तुम्हें लगाना। तुम इतने बड़े बड़े मॉल्स में इतनी ऊंची ऊंची दुकानों से शॉपिंग करो, तो बेचारी हुस्ना का क्या कसूर है? वो भी इन पैसों से अपनी सादगी के लिए कुछ ना कुछ खरीद लेगी, तो शेख फैमिली को सवाब ही होगा ना। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मम्मी तुम्हें देखे। प्लीज प्लीज चले जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा चला जाता, तुम्हारे कहने, सिर्फ तुम्हारे कहने। लेकिन अगली मुलाकात का वक्त तुम खुद मुझे बताओ। ठीक हो तुम? हाँ। क्या बात है, इतना डर क्यों रही हो? ये सिगरेट की स्मेल क्यों आ रही है? कोई आया था यहाँ? पता नहीं। ये किसका है रियम? तुम मुझे बता सकती हो मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मुझे कुछ हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं तुम डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। चल। जी ओके ठीक है, चले भिजवा दीजिए रिपोर्ट्स, उसका बता दो। ओके बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह प्रेग्नेंट हैं ये। ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे इसकी हालत देखकर मुझे शक तो पड़ रहा था, लेकिन आपसे कंफर्मेशन मिल गई, थैंक यू। मुबारक हो मेरी जान, मेरा फायज तो पहले ही तुम्हारा दीवाना है, अब तो फूले नहीं समाए कम। मैं इसको जल्दी में आपके पास ले आई। डॉक्टर साहिबा, आप किसी गायनी को रेफर करेंगी? जी जी मैं रेफर कर देती हूँ, हमारे ही क्लिनिक में होती हैं डॉक्टर जुबैदा, आप उन्हें दिखा सकते हैं। वैसे आपको भी मैं कहूँगी कि आप इनका खास ख्याल रखिएगा, काफ़ी वीक हैं, मैं आपको रेफर। बेटा तुम जा रहे हो तो अपना बहुत ध्यान रखना और बहुत लगन से और बहुत मेहनत से काम करना है, कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें बहुत ऊंचे मकाम पे देखूं। बाबा अगर मैं चला गया तो मैं जल्द वापस नहीं आ पाऊंगा।
मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मुझे पाकिस्तान आने से पहले वहां कुछ अरसा रहना होगा। कोई बात नहीं, ऐसे कामों के लिए ऐसा करना पड़ता ना बेटा। बस तुम अपना ख्याल रखना और मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तो यहाँ बिजी हो जाऊंगा। अशफाक साहब है ना, वो एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं यहाँ, वो चाह रहे हैं कि मैं भी बच्चों को पढ़ाऊं, तो मेरा तो टाइम बड़ा मसरूफियत में गुजरा करेगा। हैं? अपनी मसरूफियत में हरीम को इग्नोर मत कीजिएगा, उसको भूल मत जाइएगा। नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता, मैं देख के आता हूं। देखिए कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा, आओ, कैसे हो? खैरियत से हो ना? जी, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हरीम को लेकर आए? नहीं, वो मम्मी के साथ थोड़ा बिजी है, लाइबा की एंगेजमेंट होने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी मैं कल लेके आऊंगा। चलो फाइज, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए, मैं भी तुमसे मिलना चाह रहा था। अब पता नहीं हमारी कब मुलाकात होती है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। हम कमरे में चलकर बैठे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ जरूर, लेकिन अगर पहले अंकल इजाजत दें तो। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। अंकल आप कुछ खाना खाएंगे, कुछ ऑर्डर करूँ? क्यों भाई? बाबा फाइज कह रहे हैं तो साथ मिलकर कुछ खा लेते। मंगा लेते, कुछ ऑर्डर करो ना। तुम इंतजार कर रही होगी कि कब फैज घर आए और कब तुम उसे इतनी बड़ी खुशखबरी दो, है ना? जी। लेकिन तुम उसे ये खबर दोगी नहीं।